दोस्तों असली कलाकार वही होता है जो किसी भी हालात में अपनी प्रतिभा को दिखाने में कामयाब रहता है सहदेव ने ऐसा ही किया है जी हाँ अस्पताल में रहने के बावजूद भी सहदेव ने एक नया गाना गा दिया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल चल रहा है मैं आपको पूरा गाना दिखाऊंगा कि किस तरीके से सहदेव ने गाना गाया है और यह गाना वाकई में नया है और नए तरीके से गाया है गाने का बोल भी नया है और जिसको लेकर बादशाह ने भी इनकी तारीफ कर दी है बादशाह ने क्या कहा है इस गाने को लेकर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लेकिन बादशाह ने सहदेव को एक बार फिर से बड़ी मदद दे डाली है ये भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जी हाँ सहदेब के एक्सीडेंट के बाद वाकई में पूरी दुनिया में सहदेव की ही चर्चा हो रही है कि इतना छोटा बच्चा इतना बेहतर कलाकार जो कि अपनी आवाज के बल पर अपनी काबिलियत के बल पर पूरी दुनिया में पहचान बनाने में कामयाब रहा इस बच्चे का एक्सीडेंट वाकई में एक गंभीर मसला है अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी एक्सीडेंट को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं एक्सीडेंट पर सवाल इसलिए है क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या करने की बड़ी साजिश है मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और कौन कर रहा था इसकी साजिश ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि किस तरीके से अस्पताल में रहने के बावजूद भी भी चोट के दर्द में भी ने एक नया गाना गा दिया है और इस गाने की तारीफ हर कोई कर रहा है तो चलिए दोस्तों सहदेब को लेकर जो चर्चा चल रही है उस चर्चे में एक दो लाइन में इस बात को समझते हैं कि सहदेब का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनके हत्या की साजिश चल रही थी मैं आपको दिखाने वाला शुरू

बाइक नहीं चला रहे थे जी हाँ इस बात को आप पकड़िए सहदेव के पिता बाइक को नहीं चला रहे थे बाइक चलाने वाला कोई और शख्स था जिसके साथ सहदेव शहर से गांव की तरफ वापस लौट रहा था मीडिया में जो ये खबर चल रही है कि सहदेव के पिता बाइक चला रहे थे ये बात एकदम गलत है लेकिन सहदेव के पिता ने इंटरव्यू में क्या कहा है इंटरव्यू में उस शख्स का उन्होंने नाम नहीं लिया है जो उनका बाइक चला रहा था जी हाँ उस शख्स को चोट लगी है या फिर नहीं लगी है यह वाकई में अभी भी भी असमंजस वाली बात है है क्या जो 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 शख्स उस बाइक बाइक पर सवार था 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 चला रहा था, जो सहदेव के साथ था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह तमाम सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और सहदेव के पिता भी उस शख्स का नाम लेने से डर रहे हैं यानी कि क्लियर है कि सहदेव का जो एक्सीडेंट है वो सवालों के घेरे में है और सवाल इसलिए है क्योंकि एक्सीडेंट पूरी तरीके से संदिग्ध है साथ में रहने वाला व्यक्ति अभी भी गायब है वक्त बितने के साथ साथ, साथ सच्चाइयां भी सामने आ रही है कि बाइक चलाने वाले शख्स को चोट क्यों नहीं लगी क्या सहदेव के एक्सीडेंट को दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी ये तमाम चीजें सामने आ रही है दोस्तों सहदेव एक विख्यात लड़का है इन्होंने बचपन का प्यार गाना गाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी और उन्हें बादशाह ने भी अपने साथ गाने का बड़ा मौका दे दिया था लेकिन सहदेव के एक्सीडेंट ने वाकई में लोगों को चकित कर दिया है और वक्त बीतने के साथ साथ परत दर परत पर भी सामने आती जा रही है जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना दोस्तों जब सिंगिंग और डांसिंग की बात सामने आए तो सपना चौधरी पीछे कहा रह सकती है आपको पता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इंटरनेट वायरल चल रहा है और हर इंसान इनकी आवाज को सुनना चाह रहा है और हर बड़े कलाकार इनके गाने पर डांस करना चाह रहा है जी हाँ शहदीप का एक नया गाना आ गया है जिस पर एक बड़ी हस्ती ने डांस किया है मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर सहदेव और इनके गाने को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं आप देखिए कि किस तरीके से बड़े 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 लोग जो जो कि कि बॉलीवुड में बड़े नाम रखते हैं सिंगिंग और डांसिंग की दुनिया में बड़े नाम रखते हैं वो भी इनके साथ गाने के लिए और इनके साथ डांस करने के लिए रेडी है और डांस कर रहे हैं जी हां मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से सहदेव आज बड़े बड़े लोगों के साथ डांस कर रहा है ये वही बच्चा है जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में रह रहा था बेहद ही गरीब बच्चा पांचवी क्लास में इन्होंने गाना गाया था टीचर ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया यह सब कुछ दो साल पहले हुआ था पांचवी क्लास में जब यह बच्चा था तो वीडियो अपलोड किया गया था अब बच्चा सातवीं क्लास में दो साल बाद जाकर इनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ बादशाह ने वीडियो को देखा फिर बादशाह ने खुद सहदेव को कॉल करके अपने पास बुला लिया बादशाह की वजह से ही आज ये इतना पॉपुलर है और इनका कंडीशन अच्छा हो गया है सातवीं क्लास में ही इस बच्चे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इनके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे बस इनके पिताजी हैं जो कि मजदूरी करके किसी तरह घर का भरण पोषण कर रहे थे लेकिन इस बच्चे को भी मजदूरी में कूदना पड़ा क्योंकि पूरे घर का पेट ठीक से नहीं भर पा रहा था आप देखिए कि किस तरीके से देश में गरीब बच्चे टैलेंटेड बच्चे की स्थिति है वाकई में सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े होने चाहिए आज ये बच्चा पॉपुलर हुआ तब जाकर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल इनके घर आते हैं पहले क्यों नहीं आए पहले इनकी मदद क्यों नहीं की ये एक बड़ा सवाल है अब वो राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए इनका घर आ रहे हैं इनसे गवा रहे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सहदेव को बड़े बड़े लोगों के साथ गाने का मौका मिल रहा है बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज शो करने का मौका मिल रहा है बाकायदा इन्हें बादशाह ने अपने पास तो बुला ही लिया है और जिस तरीके से अभी इनकी पॉपुलरिटी है आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है की बॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सिंगर बनेगा जिस तरीके से बॉलीवुड खेल जगत देश के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ये उम्मीद जताई जा रही है की फरमानिनाज और सहदेव आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर सिंगिंग के तौर पर राज करेगा जी हाँ इनकी आवाज बेहतरीन है इसके साथ साथ लोगों का इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है जी हाँ ये गरीबी भरी जिंदगी जी रहे थे लोग कह रहे हैं कि इतना गरीब होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने टैलेंट को जिंदा रखा टैलेंट को किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने लाया ये काबिल तारीफ है इनसे लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है जो लोग आज भी गरीबी और गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं सड़कों पर जी रहे हैं लेकिन उनमें अच्छा टैलेंट है उनमें एक हौसला जगह है वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग भी बॉलीवुड या फिर उससे ज़्यादा ऊँचा मुकाम पा लेते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे क्या इंसान इतना भी गरीब हो सकता है क्या अगर गरीब है तो आखिर इन्हें मदद क्यों नहीं मिला ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा लेकिन बादशाह की तरफ से इन्हें जो बड़ी मदद मिली है जिसके बाद से इंसानियत का राज कायम हो गया है लोग कह रहे हैं कि इंसान हो तो ऐसा बादशाह ने इस बच्चे को एक बड़ी मदद दे दी चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं कि आखिर इस बच्चे को बादशाह ने कौन सी मदद दे दी है जिसके बाद से हर तरफ बादशाह की तारीफ हो रही है जी हाँ बॉलीवुड की दुनिया में भी सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में वाकई में कोमलता है जिनके दिमाग में वाकई में ऐसा चलता है कि देश में जो गरीब हैं जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक बड़ा मंच दिया जाए उनकी जिंदगी बदली जाए बादशाह ने यही सोचा तो तारीफ आपको भी करनी चाहिए दोस्तों तो मैंने आपसे जिक्र किया है मैंने आपसे वादा किया है कि मैं वो घर दिखाऊंगा जिस घर में ये बच्चा रहता है और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर बादशाह ने उन्हें कहां पर घर दे दिया है जिसके बाद से सहदेव की पूरी जिंदगी बदल गई है जी हाँ बच्चा बुरा कंडीशन में रह रहा है और इस कंडीशन को बादशाह ने देखा है बादशाह के देखने के बाद उनके आंख से आंसू बहने लगे और वो कह रहे हैं कि क्या वाकई में हमारे देश में इंसान ऐसे कंडीशन में भी रहते हैं जी हाँ बादशाह ने ऐसा कंडीशन देखा ही नहीं था लेकिन सहदेव के कंडीशन को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बेहद ही गरीब है और गरीब लोगों में भी टैलेंट की कमी नहीं है उनका कद्र होना चाहिए उनको प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए उनको जगह मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरी दुनिया पर राज करे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो दोस्तों अगर आप भी बादशाह की दरिया दिली के बारे में सबको बताना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार